नमस्कार मेरे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी के पल विश रहा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज हम हमारे सबसे छोटे फ्रीडम फाइटर शहीद बाजीराव जी के वीर गाथा के बारे में जानते हैं कि वो कैसे थे। बाजी राउत हमारे भारत देश के सबसे छोटे शहीद हैं, जो छोटे से उम्र में ही अपने मातृभूमि के सुरक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिया है। बाजी राउत हमारे ओडिशा के ढेंकानाल जिले के भुवन ब्लॉक जो हमारे एशिया का सबसे बड़ा गांव है, वही भुवन ब्लॉक के नीलकंठपुर गाँव में जन्म लिए थे 5 अक्टूबर 1926 को। उनके पिता का नाम था हरि राउत। वो बचपन में ही अपने पिता को खो दिए थे, इसीलिए अपने पिता के ही लक्ष्य कदम पर चल के वो अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाना उचित समझे। वो बचपन से ही मछली पकड़ना और बोट चलाना सीख गए थे। तब ढेंकानाल जिले में गड़जात शासन की व्यवस्था थी, छोटे छोटे राजा और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिल के शासन करते थे। वो बहुत अत्याचार करते थे, उनके अत्याचार से अतिष्ट होके छोटे छोटे प्रजामंडल के संगठन बन गए थे। तभी अंग्रेज सरकार और गड़जात राजाओं के अत्याचार से परेशान होके प्रजामंडल ने आंदोलन शुरू कर दिया था। एक बार बाजी ने अपने काम खत्म करके अपने घर पर पहुंच गए, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वो अपने माँ से खाना मांगे, माँ मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। और माँ ने बाजी के लिए खाना परोस दिया। खाना खाना शुरू करते ही बाजी अपने माँ को पूछे, माँ आज भी आपने मुझे खाने में नमक नहीं दिया है, क्यों? तो फिर माँ बोले, घर में नमक नहीं है, नमक मैं कहाँ से लाऊँ? जो भी तुम कमा कर लाते हो वो सब तो राजा टैक्स के आकार में ले जाते हैं, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश के सिपाही और ये राजा सब एक जैसे हैं, क्रूर और निर्दय हैं, वो हम लोगों को हमारा ही नमक नहीं दे रहे हैं। ये सब सुन के बाजी ऐसे ही खाना खा कर उठ गए, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर घूमने के लिए बाहर चले गए। थोड़ी देर चलकर जा रहे थे तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो कहाँ से वो आवाज़ आ रही ये सोच के वहीं जगह पर वहीं बो गए, और वहाँ पे प्रजामंडल संगठन की मीटिंग हो रही थी। वही मीटिंग में श्री हरमोहन पटनायक और स्वाधीनता संग्रामी श्री वैष्णव चरण पटनायक हमारे युग गोष्ठियों को स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रेरणा दे रहे थे। वहाँ पर वंदे उत्कल जननी और भारत माता की जय की ध्वनि से चारों दिशाएं प्रकंपित हो रही थी। वहीं पर बैठ के बाजी ने सारी बात सुनी कि कैसे हमारी राजा और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिल के हमारी प्रजाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। जो नमक हमारे समंदर से फ्री में मिलता है वो भी वो हमारे साधारण लोग को नहीं देते। जो आंदोलन 8 साल पहले ही 1930 को महात्मा गांधी ने लबन सत्याग्रह के रूप में किए आरंभ किए थे, उसके 8 साल बाद भी आज ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी साधारण लोग से नमक के लिए टैक्स दोगुना ले रहे हैं, फिर भी हमारे लोगों को नमक नहीं मिल रहा है। ये सब सुन के बाजी का खून खोल गया, खून गर्म हो गया, और वो वहीं पर ही वो डिसाइड कर लिए अपने आप से ही कि मैं भी इस प्रजामंडल में योगदान दूंगा। और वो उसी प्रजामंडल की बानर सेना में शामिल हो गए। बानर सेना में बाजी राउत ने लाठी चालना सीखा था, और उसी बानर सेना का वो खबरी भी बन गए थे। कहीं पर भी कुछ भी होता था वो आके अपने मुखिया को सारे बात बताते हैं। एक दिन की बात है, जब टैक्स देने के लिए सारे लोग मना कर रहे थे और प्रजामंडल की आंदोलन शुरू हो गया था, तभी के जो राजा थे, राजा शंकर प्रताप सिंह देव महेंद्र, उनके सिपाहियों ने जब टैक्स लेने के लिए प्रजाओं के पास आए तो प्रजामंडल ने उनके ऊपर हमला कर दी, और ये बात जाके वो राजा को बोल दिए। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और राजा बोले, जो लोग हमारे पैरों के नीचे थे अभी वो हमारे ऊपर सर टेक रहे हैं, इन फोनों को तो कुचलना चाहिए, इसलिए वो सारा इंफॉर्मेशन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भेज दिए। और ये सब सुन के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सिपाहियों को भेजा हमारे प्रजामंडल को तोड़ने के लिए और हमारे स्वाधीनता संग्रामियों को अरेस्ट करने के लिए। ये सब सुन के
बाजी ने दौड़ के जाके अपने बानर सेना के मुखिया को सारे बात बताई। बानर सेना के मुखिया ने बाजी को धन्यवाद दिया और बोले, ऐसे ही काम करते रहना। आज रात को घाट पर किसकी ड्यूटी है बाजी? तो बाजी बोले, आज रात का ड्यूटी मेरा है सरदार। तो फिर वो बोले, फिर इन अंग्रेजों को तुम नदी पार करने नहीं देना। तो फिर बाजी राउत बोले, मैं इन अंग्रेजों को नदी पार करने नहीं दूंगा सरदार, आप चिंता मत कीजिए। और इसके बाद वो अपने घर चले गए खाना खाने के लिए। शाम को खाना खाने के बाद अपने माँ को बोले, माँ आज रात को घाट पर मेरे निगरानी का बारी है। तो फिर माँ बोली, तुम तो इतने छोटे से बच्चे हो, अकेले कैसे घाट की निगरानी कर पाओगे? तो फिर बाजी राउत बोले, ये मेरा कर्तव्य है माँ और मैं ये ज़रूर करूँगा, आप मुझे खुशी खुशी विदा करो। माँ खाने खाने के बाद आप मेरे बच्चे को आज्ञा दे दिया, अच्छा ठीक है तो फिर तुम जाओ। और जाके उस रात बाजी का नीलकंठपुर गांव घाट से भुवन तक का रास्ता पार करवाने का ड्यूटी था और वो सारे पथिकों को नीलकंठपुर घाट से भुवन तक का रास्ता पार करवाया था अपने बोट के सहारे और फिर वापस आ गए थे। थोड़ी देर बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट रामणी नदी को पार करके हमारे 8 कर्मियों को अरेस्ट कर लिया और भोर के समय पर नीलकंठपुर घाट पर आके पहुंच गए और आदेश देने लगे नदी पार करवाने के लिए। लेकिन हमारा बाजीराव 12 साल का बच्चा होकर भी उन्हें नहीं डरे, उनके वो ब्रिटिश सिपाहियों की लाल आँखें और धमकाने से नहीं डरे और वो बोले, प्रजामंडल का आदेश नहीं है, प्रजामंडल का हुक्म नहीं है, इसलिए मैं नदी पार नहीं करवाऊंगा। तो फिर एक सिपाही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो हमारे बाजी जी के हाथ से चप्पू को जबरन ले गया और उन्हें धक्का दे दी किनारे तक। बाजी जाके किनारे पर गिर पड़े और फिर वो वहीं पर देख रहे हैं कि ये सब जितने भी सिपाही हैं वो अपने आप ही बोट लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दौड़ के आए, बोट के रस्सी को बहुत जोरों से पकड़ लिया और उन्हें छोड़ा नहीं। ये देख के ब्रिटिश के सिपाही उन्हें बोले, पहले तो उन्हें धमकाने लगे, बच्चे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जाने दो, नदी पार करने दो। तो फिर बाजी बोले, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं नदी पार नहीं करवाऊंगा और आप लोगों को करने नहीं दूंगा, नदी पार करने नहीं दूंगा। ये बात सुन के जब वो लोग देखेंगे ये बच्चा तो हमारी बात से डरा नहीं, तो फिर वो उन्हें लालच देने लगे और बोले, अगर तुम हमें नदी पार करने दोगे या फिर करवाओगे तो हम तुम्हें सोने का सिक्का देंगे। तो फिर बाजी बोले, मैं इतने थोड़े से सोने के लिए अपनी माटी माँ को बेच नहीं सकता, मैं मेरी मातृभूमि से गद्दारी नहीं करूँगा। और ये बोल के बोट के ऊपर चढ़ गए और जाके शंखनाद कर दी। उसी शंखनाद सुनने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए और ये देख के वो ब्रिटिश सिपाही डर गए और उन्हें हड़बड़ा गए और हड़बड़ा के वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी। उसी फायरिंग में हमारे बाजी राउत को गोली लग गई और वहाँ पर ही वो शहीद हो गए। वो काली रात थी 11 अक्टूबर 1938 को और उन्हीं के साथ ही वहाँ पे नट मलिक, लक्ष्मण मलिक, प्रधान और अबू साहू वो लोग भी शहीद हुए थे। ऐसे थे हमारे वीर पुत्र जो अपने कोई भी बात से मुकरे नहीं मरते दम तक। और हम लोग सिर्फ उन्हीं के ही ये बात उनके डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी पर भी ये कहानी सुनते हैं। ऐसा क्यों? हम लोग हमेशा ऐसे सुन सकते हैं और हम अपने आप को, हमारे बच्चों को, हमारे सब जो लोग भी जी नहीं जानते उन लोग सब लोगों को ये बता सकते हैं कि ऐसे थे हमारे वीर पुत्र, वीर जवान। कैसा लगा आपको ये हमारी शहीद बाजी राउत की वीर गाथा की कहानी सुनकर? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग जानते हैं पहले से उन लोगों को मेरे दिल से धन्यवाद है, नमस्कार है। और जो लोग नहीं जानते वो ये कहानी सुनकर ज़रूर जान जाएंगे कि इतने छोटे से बच्चे होकर भी वो कितने साहसी थे और बहादुर थे। और ऐसे ही कहानी देखने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खुशी के पल विश्रेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको जब भी मैं वीडियो नए वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अब ये पैंडेमिक चल रहा है कोरोना के लिए, अपने घर में रहिए, अपने आप का केयर लीजिए और अपनी फैमिली का भी केयर लीजिए। टेक केयर, अनटिल देन बाय बाय, नए वीडियो आने तक।